नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत सरकार ने दी झारखंड वासियों को करोड़ों की सौगात। झारखंड की हेमंत सरकार के 29 दिसंबर 2020 को एक साल पूरे होने पर राज्य के लिए कुर्बानी देने वाले धरती पुत्रों और महापुरुषों को नमन करते हुए राज्यवासियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने करोड़ों की सौगात झारखंड वासियों को दी है। बता दें, इस दौरान राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय नई योजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ भी किया गया है। वही पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। वही नए साल के आगमन पर रांची समेत राज्य भर में मौसम साफ रहेगा। बता दें, रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 4-5 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है, लेकिन अभी जिस तरह से मौसम है उसी की स्थिति अगले 4 दिनों तक बने रहने की संभावना है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड पुलिस में होगी बम्पर बहाली। झारखंड पुलिस में 2021 में बम्पर बहाली होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस में सभी इकाइयों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। बता दें, रिक्तियां मिलने के बाद सरकार से बहाली के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसी आधार पर सिपाही के पदों पर बहालियां होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा साल 2021 में पुलिसिंग को लेकर नई रणनीति पर भी काम हो रहा है। राज्य पुलिस के वायरलेस विभाग में लंबे अरसे से बहाली नहीं हुई है। वायरलेस पुलिस में भी बहाली नए साल में निकलेगी। 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंटल परिणाम जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा के परिणाम जारी कर दिया है। बता दें, काउंसिल ने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.jackreal.com पर जारी कर दिया है। बता दें, इसी के साथ मदरसा मैट्रिक कंपार्टमेंटल, इंटर वोकेशनल और माध्यमा परीक्षा का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के आर्ट्स में 81% छात्र सफल हुए हैं। इसी तरह मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम में 30,194 बच्चे सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 15,722 यानी 52% विद्यार्थी सफल रहे। रांची से चलने वाली 13 ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी। रेल मंत्रालय ने सोमवार देर शाम रांची से चलने वाली 13 ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दे दी है। बता दें, जनवरी के पहले सप्ताह से इन ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेल मंत्रालय को प्रपोजल भेजा था, जिस पर मंजूरी मिली है। बता दें, इसमें रांची दुमका, रांची लोहरदगा, रांची टोरी, रांची आसनसोल, हटिया टाटा पैसेंजर, बर्धमान पैसेंजर, हटिया राउरकेला पैसेंजर सहित 13 ट्रेन सम्मिलित हैं। नए साल का वार्षिक कैलेंडर जारी। झारखंड की हेमंत सरकार की ओर से वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ है। इसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नए साल में 38 छुट्टियां दी गई है। वहीं 4 छुट्टियां रविवार होने के कारण कट गई है। बता दें, वर्ष 2021 में एनआई एक्ट के तहत 22 राजपत्रित अवकाश और कार्यपालक आदेश के तहत 16 छुट्टी पूरे साल में दी गई है। पहली वर्षगांठ पर कृषि ऋण माफ, 511 को नियुक्ति पत्र। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मंगलवार को एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। सरकार की पहली वर्षगांठ पर रांची के मोराबादी मैदान में भव्य समारोह किया गया। मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत ऑनलाइन की। इसके तहत किसानों को 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे। बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरांग गोमके विदेशी छात्रवृत्ति योजना का ऑनलाइन शुभारम्भ भी किया। विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए यह छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1458.95 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन और 1091.92 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 15 योजनाएं लॉन्च की। बता दें, मुख्यमंत्री ने 511 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया। वर्षगांठ पर महिलाओं के लिए विशेष। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कई योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा पर बल दिया और महिला हेल्पलाइन 181 का शुभारंभ किया। बता दें, महिला सशक्तिकरण को लेकर सखी मंडल की दीदियों को सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने ऋण की राशि दी, जो 30,000 सखी मंडलों को 300 करोड़ की राशि बैंक लिंकेज के जरिए दिया गया। झारखंड में 230 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 107, बोकारो 15, चतरा 5, धनबाद 25, पूर्वी सिंहभूम 26, गोड्डा 4, गुमला 3, हजारीबाग 7, खूंटी 1, लातेहार 11, लोहरदगा 1, पलामू 10, रामगढ़ 5, साहिबगंज 2, सरायकेला 1, सिमडेगा 3, पश्चिमी सिंहभूम 4 मरीज मिले हैं।
झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 114,650 है, जबकि 112,021 लोग स्वस्थ हुए और 1,025 की मृत्यु हो गई। भारत में 20,479 नए संक्रमितों के साथ कुल एक्टिव केस 260,706 है। वहीं कुल मौत 148,470 है। झारखंड में कुल एक्टिव केस 1,604 है। 5 वर्षों में झारखंड को विश्व बैंक या केंद्र सरकार के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़े तो अगले 5 वर्षों में राज्य को विश्व बैंक या केंद्र सरकार के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने संसाधनों की मदद से झारखंड खुद के पैरों पर खड़ा हो पाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। बता दें, इस मौके पर करीब 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जबकि विभिन्न जिलों में अरबों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। सरायकेला में 40,000 लोगों में 44 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण। झारखंड की हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरायकेला के बिरसा स्टेडियम में विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर 40,335 लोगों में 43.34 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। बता दें, मौके पर सामुदायिक वनाधिकार अधिनियम के तहत 47 सामुदायिक वन पट्टा तथा 24 व्यक्तिगत वन पट्टा का वितरण भी किया गया। लातेहार में 9 करोड़ की परिसंपत्ति सहित 267 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। झारखंड की हेमंत सरकार के प्रथम वर्षगांठ पर लातेहार जिला अंतर्गत शहर के रेलवे स्टेशन रोड में अवस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 66,49,15,100 की लागत से निर्मित 152 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं 14,78,63,413 रुपये से बनने वाले 115 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। नए साल के जश्न को लेकर शहर के बार, होटल व रेस्टोरेंट के लिए जारी हुआ गाइडलाइन। नए साल के आगमन पर रांची जिले के विभिन्न बार, रेस्टोरेंट और होटल में 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका अनुपालन करना सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को जरूरी होगा। बता दें, इस दिशा निर्देश के उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, गाइडलाइन के तहत नए साल में पार्टी के आगमन को लेकर बार, रेस्टोरेंट एवं होटल में जितने भी प्रतिभागी आएंगे उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा। रामगढ़ में 180 करोड़ की राशि से विकास। झारखंड की हेमंत सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें, इस दौरान सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सिद्धू कानू मैदान में कराया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। 10 लाख के इनामी नक्सली सोनू दास की लाश मिली। पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बने 10 लाख के इनामी नक्सली परमजीत उर्फ सोनू दास की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मंगलवार को लावालौंग थाना क्षेत्र में जंगल से उसका शव बरामद किया। परमजीत की हत्या किसने की, पुलिस इसका अभी खुलासा नहीं कर पाई। पाकुड़ में 8 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर मंगलवार को पाकुड़ जिला प्रशासन ने स्थानीय रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में विकास मेला आयोजित किया, जिसका उद्घाटन DC कुलदीप चौधरी, SP मणिलाल मंडल, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव ने संयुक्त रूप से किया। उपायुक्त सहित अधिकारियों तथा विधायक व सांसद प्रतिनिधियों ने 8,58,13,500 रुपये की परिसंपत्तियों का 7,154 लाभुकों के बीच वितरण किया। खूंटी उपायुक्त ने किया प्लास मार्ट का उद्घाटन। झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को SS हाई स्कूल परिसर में बनाए गए प्लास मार्ट का उद्घाटन उपायुक्त शशि रंजन ने किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बता दें, प्लास मार्ट के माध्यम से सखी मंडल की दीदियां सहज रूप से अपने उत्पादों की बिक्री कर सकती है। उक्त प्लास मार्ट का संचालन तिरला आजीविका महिला संकुल संगठन द्वारा किया जाएगा। दुमका में 1,66 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश मुख्यालय सहित जिला मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम कर जरूरतमंदों के बीच करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। सूबे के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण,
परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आउटडोर स्टेडियम में सरकार के प्रथम वर्षगांठ समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंत्री द्वारा स्वीकृत पत्र, उद्घाटन शिलान्यास सहित अन्य सामग्री वितरण किया गया। कार्यक्रम में 1,66,10,43,900 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। करीब 188 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल राशि 47,30,99,900 रुपए है। हजारीबाग के लौज से पकड़ेगा 7 साइबर अपराधी। हजारीबाग के कर्रा थाना क्षेत्र के एक लौज से पकड़ेगा 7 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें, गिरफ्तार अपराधियों में अजीत, नीति, संतू, उपेंद्र, दीपक कुमार, रामदेव कुमार और विक्की का नाम शामिल है। सभी युवक बरकट्टा प्रखंड के कपका पंचायत के मासी पीढ़ी का रहने वाले हैं। राज्य में पेयजल की समस्याएं होगी दूर, मंत्री। झारखंड की सरकार झारखंडी जन भावना की सरकार है। झारखंड सरकार रोजगार से लेकर विकास के सभी मुद्दों पर गंभीर है। इस पर रोड मैप तैयार किया गया है। यह रोड मैप जल्द ही देखने को मिलेगा। सभी विभागों की रिक्तियों को भरा जाएगा। झारखंड इतना आत्मनिर्भर होगा कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वर्ष 2024 तक राज्य की रूपरेखा बदल जाएगी। ये बातें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्थानीय परिसदन में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गढ़वा बाईपास रोड धरातल पर उतर रहा है, इसके कार्यों में तेजी आई है। पलामू से जर्जर सड़क की समस्याएं दूर होगी। गोड्डा विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन। गोड्डा कॉलेज में सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित विकास मेले में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिला के 2 विद्युत सब स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसमें पोडियाहाट प्रखंड में लाठीबाड़ी, ठाकुर गंगटी प्रखंड के मोपहाड़ी विद्युत सब स्टेशन शामिल है, जिस पर करीब 1.5 साल से काम चल रहा था। बता दें, मौके पर पोडियाहाट विधायक प्रदीप यादव, महंगामा विधायक दीपिका पांडे सहित बिजली विभाग के अधिकारी व कार्य में लगे एजेंसी ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड के अधिकारी भी शामिल थे। देवघर में 173 करोड़ की योजना का उद्घाटन। राज्य सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को KKN स्टेडियम में विकास मेला सह ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रांची स्थित मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ऑनलाइन देवघर की कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। बता दें, जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान एवं अन्य की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिला स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य भर के अधिवक्ता 5 जनवरी से वर्चुअल कोर्ट में शामिल नहीं होंगे। स्टेट बार काउंसिल अब फिजिकल कोर्ट की जगह रेगुलर कोर्ट शुरू करने की मांग कर रहा है। मंगलवार को रांची में स्टेट बार काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के एक साल पूरे होने पर मंगलवार को आरोप पत्र जारी कर सरकार की एक साल की नाकामियां गिनाई। आरोप लगाया कि सरकार के एक साल के कार्यकाल में जहां अपराध बढ़ा, वही जनता बदहाल रही और सभी विभागों में बिचौलिए हावी रहे। झारखंड पिछड़ा राज्य है, यहां कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इसे जड़ से मिटाने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। इसकी शुरुआत पश्चिमी सिंहभूम जिले से की जाएगी। यह बातें मंगलवार को सिंहभूम स्पोर्ट एसोसिएशन मैदान में सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला बाल विकास एवं कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने कही। धन्यवाद।